हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है टूटी फ्रूटी जो कि मैंने बनाई है वाटरमेलन के पील से। सो, आप देखिए कितनी अच्छी बनी है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने एक्सपेरिमेंट करके नए कलर्स बनाए और यूज़ किए। सो, देखिए ये कैसे बनती है। सो, पहले मैंने यहाँ पर वाटरमेलन पील लिया है और उसको जो हरे कलर का होता है पील, वो मैंने उसको छील के अच्छी तरह से कर लिया है, और जो रेड कलर का जो हम वाटरमेलन खाते हैं वो भी मैंने बिल्कुल क्लीन करके इसको जो वाइट पार्ट होता है इसका वही रखा है। और अभी इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल ब्रीक ब्रीक कैसे कट कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, आपको जैसी भी टूटी फ्रूटी पसंद है। और ये कट करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है 2 ग्लास पानी, और उसको मैंने गर्म करके बिल्कुल उसमें मैंने जो हमने वो कट करके वाटरमेलन का पील रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे और इसको 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद इसका कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और ये परफेक्टली कुक हो जाएगा। तो अब हम इसको निकाल के किसी बाउल में डाल लेंगे और उसके बाद हमें इसको चाशनी बना के 10 मिनट उसमें पकाना है। सो, ये देखिए इसका कलर अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अभी मैंने क्या किया है कि 1 कप शुगर लेके उसमें 2 कप पानी डाल दिया है, और उसको थोड़ी देर जब तक शुगर मेल्ट होगी तब तक हम इसको मेल्ट करके और जो हमने वो वाटरमेलन का पील अभी 10 मिनट के लिए पकाया था वो अब इसमें डाल देंगे। सो, इसको डालने के बाद हमें इसमें इसको भी 10 मिनट के लिए तकरीबन पकाना है। 10 मिनट के बाद ये जब ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा शुगर सिरप तो वो अच्छी तरह से स्वीट सा हो जाएगा, तो हम इसको निकाल लेंगे। चाशनी जो है वो हम यूज़ करेंगे, ऐसे ही बोल में डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 4-5 कटोरियाँ लेके जो भी मैंने मेरे पास कलर्स अवेलेबल थे मैंने एक्सपेरिमेंट करके नए नए कलर्स बना के वो बना लिए हैं, और अब हम इसको जो हमने टूटी फ्रूटी बनाई है उसमें एक एक करके डाल देंगे। सो, पहले मैंने ये रेड कलर डाल दिया, येलो कलर डाल दिया, ऑरेंज, ग्रीन, सभी कलर मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं। और इसको हमें कलर मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है, 3-4 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं। मैंने इसको 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था ताकि जो कलर है वो पूरी तरह से जो टूटी फ्रूटी है वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद कलर जब ये एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसके बाद हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, और जो भी इसकी चाशनी है, शुगर सिरप है, वो हम इसको अच्छे तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी निकाल ली है और इसको प्लेट में रख लिया है। इसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। मैंने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं किया है, मैंने सिर्फ 3-4 घंटे के लिए इसको धूप में रखा था। और ये अभी आई थिंक आप कोई भी चीज़ आपको बनानी है, टूटी फ्रूटी केक बनाना है या किसी भी आप ड्रिंक बना रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।